डियर स्टूडेंट्स, सेट ऑफ क्वेश्चन के सीरीज में आज का टॉपिक है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन 2600 BC टू 1900 BC, थीम वन, बुक वन, एंशंट इंडिया। फर्स्ट सेगमेंट है ऑब्जेक्टिव टाइप, वन मार्क क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन, डैश इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ आपने ध्यान रखना है कि हड़प्पन कल्चर, जैसा मैंने आपको नोट्स में भी बताया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये दोनों एक ही नाम है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू वी नो अबाउट हड़प्पन कल्चर इवन दो द स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पा इज अनडेसिफर्ड। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट डज द टर्म हड़प्पन कल्चर सिग्निफाई और व्हाई डू द टर्म हड़प्पन कल्चर यूज्ड मोस्ट ऑफन। क्वेश्चन नंबर फोर, नेम द मेजर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन वॉज फाउंड। ये एक्सकेवेशन के बाद में जहाँ जहाँ इसका रिमेन्स मिला है। क्वेश्चन नंबर फाइव, हड़प्पन कल्चर इज डिवाइडेड बिटवीन मेनली टू पार्ट्स, नेम देम। सिक्स्थ, ब्रेक बिटवीन दीज टू पार्ट्स आर एविडेंट फ्रॉम टू मेन फैक्ट्स, वॉट आर दे। ये टू पार्ट्स जो क्वेश्चन नंबर फाइव में है। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, डैश आर स्पेशलिस्ट इन एंशियंट प्लांट रिमेन्स एंड डैश आर स्पेशलिस्ट इन एंशियंट एनिमल रिमेन्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपने करने हैं, इसमें एनिमल और प्लांट के स्पेशलिस्ट का आपको टर्म बताना है। व्हाट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स हैव बीन फाउंड एट हड़प्पन साइट्स। क्वेश्चन नंबर नाइन, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लाउ हैव बीन फाउंड एट साइट्स इन, चॉइसेस में चोलिस्तान एंड बनावली ए, बी लोथल एंड धोलावीरा, सी मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा, एंड डी कालीबंगन एंड राखीगढ़ी। क्वेश्चन नंबर टेन, एविडेंस ऑफ प्लाउड फील्ड हैव बीन फाउंड एट, चॉइसेस में ए कालीबंगन, बी चोलिस्तान, सी मोहनजोदड़ो एंड डी राखीगढ़ी। यू हैव टू चूज अमंग देम। क्वेश्चन नंबर इलेवन, नेम द डिफरेंट इरीगेशन टेक्निक्स यूज इन हड़प्पन साइट्स, ऑल्सो नेम द प्लेस वेयर दे हैव बीन फाउंड। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज द डेवलपमेंट ऑफ डैश। ये आपको ब्लैंक फिल करना है। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, हाउ डू ब्रिक्स यूज एट ऑल हड़प्पन साइट्स शोज साइंस ऑफ प्लानिंग। इसमें आपको ब्रिक्स की फीचर्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, या उसके कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, विच पार्ट ऑफ अ टिपिकल हड़प्पन रेजिडेंशियल बिल्डिंग वॉज द सेंटर ऑफ मोस्ट हाउस होल्ड एक्टिविटीज। इसमें आपने चैप्टर में के इन बिटवीन से, आप जैसा जानते हैं वन मार्क का सेट होता है, तो अदर देन रीडिंग माई नोट्स, यू शुड रीड द चैप्टर एंड यू विल फाइंड द आंसर फ्रॉम देयर ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन, विच टू स्ट्रक्चर्स डू यू फाइंड मोस्टली ऑन अ सिटेडल। क्वेश्चन सिक्सटीन, विच साइट ऑफ हड़प्पा वॉज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन। ये साइट में प्लेसेस बताने हैं, चान्हूदारो ए, बी लोथल, सी राखीगढ़ी एंड डी बनावली। इसमें से आपको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर सेवनटीन, व्हाट मटेरियल्स वर यूज्ड फॉर बीड मेकिंग। क्वेश्चन नंबर एटीन, हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट्स आइडेंटिफाई सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। नाइनटीन, शेल वॉज अवेलेबल मेनली इन डैश एंड डैश साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अगेन ये फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी, मैच द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू मटीरियल्स अवेलेबल एट वेरियस हड़प्पन साइट्स। वन शौर्तुगाई, टू साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात, थ्री नागेश्वर एंड फोर लोथल। एंड यू हैव टू मैच विद ए बी सी डी। ए इज कार्नेलियन, बी इज लापिस लाजुली, सी इज शेल एंड डी इज स्टिटाइट। क्वेश्चन नंबर 21, अगेन मैच द कॉलम, मैच द फॉलोइंग नेम्स विद देयर करेंट प्लेसेस। इसमें प्लेसेस हैं 1, 2, 3, 4, मेसोपोटामिया, दिलमन, फर्स्ट इज मेसोपोटामिया, सेकंड इज दिलमन, थर्ड इज मगन एंड फोर्थ इज मेलुहा। और इसको मैच करना है आपने ए बहरीन,
बी ओमान, सी इराक और डी हरप्पा से। वन मार्क क्वेश्चन का सीरीज कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 22। हरप्पन वेट्स वर मेड ऑफ अ स्टोन कॉल्ड डैश एंड जनरली विच वॉज इन डैश शेप। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपका करना है। हरप्पन वेट्स का स्टोन कौन सा कहलाता था और उस किस शेप में जनरली होता था। क्वेश्चन 23। मैच द फॉलोइंग फैक्ट्स विद द नेम्स गिवन। फैक्ट्स है 1, 2, 3, 4, 5 एंड नेम्स आर ए बी सी डी ई। वन इज फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सेकेंड फैक्ट है फर्स्ट टू अनाउंस डिस्कवरी ऑफ हरप्पा द पर्सन। एंड थर्ड फर्स्ट टू यूज स्ट्रेटिग्राफी टेक्निक। देन फोर्थ इज फर्स्ट टू फाइंड सील इन हरप्पा। एंड फिफ्थ इज फर्स्ट टू फाइंड सील इन मोहनजोदड़ो। एंड द नेम्स गिवन आर, जिसे आपको मैच करना है, जॉन मार्शल ए, बी इज आर ई एम व्हीलर, सी इज राखाल दास बैनर्जी, डी इज दयाराम साहनी एंड ई इज अलेक्जेंडर कनिंगम। तो ये फैक्ट्स जो इनके से रिलेटेड है उनसे आपको मैच करना है। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24। स्टिटाइट वॉज अ चॉइस है इसमें ए बी सी डी। ए वॉज अ स्टोन, बी वॉज अ काइंड ऑफ करेंसी, सी वॉज अ मेटल एंड डी टाइप ऑफ शेल। इसमें से आपको चूज करना है। देन क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज सिचुएटेड इन इंडिया। अगेन चॉइस, कालीबंगन ए, बी शोरथुगई, सी चानूदारो एंड डी हरप्पा। इसमें से जो इंडिया को बिलोंग करता है उसको आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 26। सम ग्रेव्स कंटेन पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स परहैप्स इंडिकेटिंग। अगेन चॉइस, ए इज बिलीफ इन आफ्टर लाइफ, बी इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय किंग, सी सोशल प्रैक्टिस एंड डी इंस्ट्रक्शन गिवन बाय प्रीस्ट। इसमें से आपको चूज करना है। देन ये फीचर 27 क्वेश्चन। स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैव बीन फाउंड एट, अगेन चॉइस, ए चानूदारो लोथल एंड धोलावीरा, बी हरप्पा लोथल एंड धोलावीरा, सी चानूदारो कालीबंगन एंड धोलावीरा एंड डी हरप्पा लोथल एंड कालीबंगन। ये 3 ईच है ए बी सी डी, इसमें आपको चूज करना है। स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैव बीन फाउंड एट। क्वेश्चन नंबर 28। सील्स इंडिकेट विच रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ हरप्पन पीपल। इसमें चॉइस है ए प्लांट एंड एनिमल वर्शिप, बी एनिमल एंड शिवा वर्शिप, सी प्लांट एंड विष्णु वर्शिप एंड डी विष्णु एंड शिवा वर्शिप। इसमें आपको चूज करना है। हियर वी एंड द वन मार्क क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, इसमें मैक्सिमम आई हैव ट्राई टू कवर मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑफ वन मार्कर फ्रॉम द चैप्टर। फ्रॉम ईच पेज आई हैव ट्राई टू टेक आउट एज मेनी क्वेश्चन एज आई कैन फॉर यू। नाउ मूविंग ऑन टू 3 मार्क क्वेश्चन। वर्ड लिमिट इज 100 वर्ड्स। लेट अस बिगिन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द अर्ली हरप्पन एंड मेच्योर हरप्पन सेटलमेंट। अब यहाँ जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था पिछले वीडियो में, कुछ क्वेश्चंस आपको लगेगा कि रिपीट है। रिपीटिशन इसलिए है कि वो या तो 1 मार्कर में आ सकता है, या 3 मार्कर में, या 8 मार्कर में, या आपको सोर्स बेस्ड आ सकता है या फिगर बेस्ड आ सकता है। तो एज मच एज यू प्रैक्टिस आपके लिए फ़ायदा है। तो प्लीज़ बी रीड केयरफुली अबाउट दिस क्वेश्चंस। नाउ सेकंड क्वेश्चन, हाउ वाज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एविडेंस यूज्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट टू रिकंस्ट्रक्ट डायट्री प्रैक्टिसेस ऑफ हरप्पन। 4, हाउ वाज द लोअर टाउन डिफरेंट फ्रॉम द सिटेडल इन हरप्पन सेटलमेंट। सिटेडल का एक क्वेश्चन आपको 1 मार्कर में भी था जैसे मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हरप्पन सिटीज वॉज द केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। ये स्टेटमेंट है एंड यू हैव टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट स्ट्रैटेजीज आर यूज्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट टू अंडरस्टैंड द सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस ऑफ हरप्पन सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द डिजाइंस ऑफ डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर्स फाउंड ऑन द सिटेडल। क्वेश्चन 9,
द वेराइटी ऑफ मटीरियल्स यूज टू मेक बीड्स इज रिमार्केबल. अगेन दिस इज अ स्टेटमेंट. जस्टिफाई द स्टेटमेंट गिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ मटीरियल्स एज वेल एज शेप्स ऑफ बीड्स. इसमें बीड्स का शेप क्या होता था और इस कौन से मटीरियल से बनता था. सो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस. क्वेश्चन नंबर 10. वॉट टेक्निक्स वर यूज फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन लाइक बीड्स एक्सेट्रा. क्वेश्चन 11. कैन वी लेबल द स्टोन आर्टिफैक्ट्स फाउंड एट वेरियस साइट्स एज लग्जरी और यूटिलिटेरियन और फॉलिंग इन बोथ कैटेगरीज. ये एनालिसिस करना है आपने कि जो चीज़ें मिली थी वो लग्जरी आइटम थी, यूटिलिटेरियन थी या दोनों थी, और कैसे पता चलता है. देन क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट स्ट्रैटेजीज डिड हरप्पन्स अडॉप्ट टू प्रोक्योर मटीरियल्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन. क्वेश्चन 13. व्हाट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट दैट हरप्पन्स हैड कॉन्टैक्ट्स विद डिस्टेंट लैंड. गिव एग्जाम्पल्स. अब यहाँ डिस्टेंट लैंड का आपको मैं बता चुकी हूँ, फॉरेन रिलेशन का था या ट्रेड रिलेशन का जो था फॉरेन कंट्रीज से. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ हरप्पन सील्स. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 15. व्हाई इज हरप्पन स्क्रिप्ट कॉल्ड एनिग्मेटिक एंड व्हाट आर इट्स अदर डिस्टिंक्टिव फीचर्स. ये एक सेम क्वेश्चन है. व्हाई इज हरप्पन स्क्रिप्ट कॉल्ड एनिग्मेटिक एंड व्हाट आर इट्स अदर डिस्टिंक्टिव फीचर्स. क्वेश्चन 16. ट्रेड एक्सचेंजेस वर रेगुलेटेड बाय अ प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स इन हरप्पन सेटलमेंट. जस्टिफाई इस स्टेटमेंट को आपने जस्टिफाई करना है. क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट टाइप ऑफ रूलर्स डिड हरप्पन सिविलाइजेशन हैव. व्हाट वर देयर फंक्शंस. देन क्वेश्चन 18. हाउ डिड आर्कियोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ हरप्पन्स. Now coming to the third segment, 8-mark question, word limit hai 350 words. Question number 1. The Harappan settlement was first planned and then implemented accordingly. Justify the statement with reference to distinctive feature of Mohenjo-daro, an example of perfect planning. To yahan pe jahan jahan maine aapko jo jo points bataye hain planning ke, wo sara isme include karna hai. So it's going to be an essay type question. Question number 2. Give reasons of decline of Harappa with reference to the opinion of various archaeologists. Then question number 3, 8-mark question. How did archaeologists discover Harappan or Indus Valley civilization? And question number 4. What problems were faced by archaeologists in reconstructing the Indus Valley civilization? So these are the 8-mark question, third segment. Coming to the fourth segment, source-based questions and questions from boxes and figures from the chapter. First question, page number 1, figure 1.1, a Harappan seal. Question, name the most distinctive artifact of Harappa. What was it made of? Second question. And third is, what was inscribed on a typical seal of Harappa? Second question. Page 1, figure 1.2, beads, weights and blades. Question, mention the different shapes of beads. Next, where was its production center? And third, how were they manufactured? जैसा मैंने आपको बताया, questions आपको repetitive लगेंगे, लेकिन question को मैंने हर तरीके से आपको design करके दिया है, जिससे आप कहीं से भी, किसी भी angle से आपसे पूछा जाए, you are able to answer the question. Now coming to question number 3 of this segment, page 3, figure 1.3, a terracotta bull. Question hai, where else is the evidence of bull found other than the terracotta model? Second question hai, what was it used for? That is the bull used for. And third question, how do archaeologists conclude their finding? Then fourth question hai, page 4, figure 1.4, copper tools. What were these tools used for? Then एक box question है यहाँ पे. Do you think these tools could have been used for harvesting? Then next question है page number 4, figure 1.5, reservoir at Dholavira. Question है, what different irrigation techniques were used by Harappans? Second question है, what was this reservoir used for? And third, where is Dholavira located? मतलब आपको state बताना है, किस state में Dholavira को आप locate करेंगे. Then question number 6, page number 4, source 1, how artifacts are identified.
इसमें वेरियस क्वेश्चन है. हु हैज रिटन दिस एक्सर्प्ट. सेकेंड क्वेश्चन है वॉट आर द टू टाइप्स ऑफ क्वर्न्स. थर्ड है वॉट मटीरियल्स वर यूज टू मेक दीज क्वर्न्स. फोर्थ वाई आर दे डिस्क्राइब्ड एज करी स्टोन्स. फिफ्थ एक्सप्लेन एनी टू वेज इन विच द आर्क्योलॉजिस्ट क्लासीफाई देयर फाइंडिंग्स एंड डिटरमिन देयर फंक्शन. एंड सिक्स्थ क्वेश्चन है सोर्स वन का वॉट इज एक्सट्रापोलेट. देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सेवन पेज फाइव फिगर 1.7 ले आउट ऑफ मोहनजोदड़ो. हु लिव्ड इन लोअर टाउन मोस्टली. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड वॉट वॉज द सिटेडल यूज फॉर. देखिए यहाँ पर सिटेडल फिर यूज हुआ आपको. फिर थर्ड क्वेश्चन विच मेजर स्ट्रक्चर्स हैव बीन फाउंड इन सिटेडल. फोर्थ मैंशन सम डिफरेंसिस बिटवीन द सिटेडल एंड लोअर टाउन. एंड फिफ्थ वेयर इज सिटेडल फाउंड मेनली. देन क्वेश्चन नंबर एट पेज सिक्स बॉक्स द प्लाइट ऑफ हरप्पा. क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ए एस आई. सेकेंड क्वेश्चन वॉट हैपन टू ब्रिक्स ऑफ द एंशियंट साइट. एंड थर्ड विच साइट वॉज बेटर प्रिजर्व हरप्पा और मोहनजोदड़ो. इसमें से आपको नेम करना है. देन क्वेश्चन नंबर नाइन पेज सिक्स फिगर 1.8 अ ड्रेन इन मोहनजोदड़ो. गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हरप्पा. और चॉइस है ये सेम क्वेश्चन इन अदर वे Why was drainage system of Harappa seemed to be carefully planned? Coming to question number 10, page 7, source 2, the most ancient system yet discovered. Question hai, who has written this excerpt? Second question, what is his observation about the Harappan drainage system? Third, which places are these drainage found? And fourth, what material was used to build drains? Then question 11, page 7, figure 1.9. Isometric drawing of large house. Question, which part of the house was center of most activity? Ye again repeat ho raha aapko, question 1 mark se. Second, give example which shows that Harappans cared for privacy while building houses. And third, what major features are found in a typical house of this ancient civilization? Question number 12, page 8, figure 1.10, plan of a citadel. Question, what was a Harappan citadel? Second, in which Harappan cities have these citadels been found? Third, evidence of which structures are found on the citadel? And fourth, why were these structures built? Then question number 13, page 9, figure 1.11, copper mirror. What does this picture depict about the nature of Harappans? Then second, what strategies were used by archaeologists to find out the socio-economic difference in Harappan culture? Explain. Again, your question repeat ho raha hai, 3 mark question se. Then question number 14, page 9, figure 1.12, a faience pot. Question is, how do archaeologists assume that an object was of luxury? Second, how does this assumption become complicated? Third, where were the luxury items mostly found? And fourth, which metal was rarest in Harappan culture? Then 15th question, page number 10, figure 1.13, a tool and beads. Question, which place in Harappan settlement was main center of production of craft? Isme aage hai. What type of production was carried out? Then second question hai, name the materials used for making beads. Third, what shapes did the beads have? Then fourth, what techniques were used for making beads? Ye again repeat ho raha question. Kisi bhi ek topic ko jitne tarike se pucha ja sakta hai question mein, usme maine try kiya aapke liye, try to frame the question for you. Page 11, figure 1.14, pottery. How do archaeologists identify the center of craft production? Second question, what techniques were used for making beads? Third question, name the major production center and finishing centers of Harappan civilization and their products. Question number 17, page 11, figure 1.15, a terracotta figurine. How do archaeologists identify center of craft production? Second, what does the picture or the figure depict? Third, which means of transportation was used to trade these goods?
देन क्वेश्चन नंबर 18 पेज 12 फिगर 1.16 कॉपर एंड ब्रॉन्ज वेसल्स व्हाट स्ट्रैटेजीज वर यूज्ड बाय हरप्पन्स टू प्रोक्योर मटेरियल्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल. देन 19 क्वेश्चन पेज 13 फिगर 1.17 अ हरप्पन जार फाउंड इन ओमान. क्वेश्चन व्हाट वाज पॉसिबली कैरिड इन दीज वेसल्स. सेकेंड क्वेश्चन व्हाट नेम इज of Oman is given in Mesopotamian text. Then third question, give an account of foreign trade and relation of Harappans. Coming to question number 20, page 14, figure 1.18, figure 1.19 and figure 1.20. 1.18 is cylindrical seal, 1.19 is round seal and 1.20 is seal depicting boat. क्वेश्चंस हैं इसके. व्हाट डू दीज फिगर्स डिपिक्ट. सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हरप्पन एंड अ मेसोपोटामियन सील. थर्ड क्वेश्चन हाउ डू वी कम टू नो दैट हरप्पन कल्चर वाज पॉपुलर एंड वाइडली फॉलोड बाय इट्स कंटेम्प्रेरी कल्चर. देन फोर्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन द वर्ड सी फेयरर एंड सेकेंड द स्टेटमेंट मे योर बर्ड बी द हाजा बर्ड मे इट्स कॉल बी हर्ड इन द रॉयल पैलेस. Question number 21, page 15, figure 1.21, letters on an ancient signboard. There's only one question here. Where is this signboard found? Question number 22, page 15, figure 1.22, a ceiling from Ropar. Question, how many seals are impressed on this piece of clay? Second, what were seals used for? Third, what did a seal convey? And fourth, how was a seal fixed on a bag of goods? यहाँ फिर आप देखिए repeat हो रहा है seal पे question. Now question number 23, page 16, figure 1.23, a priest king. Question, what does extraordinary uniformity indicate about Harappan rule? Second question, what does the picture indicate? Third, mention the different opinions of archaeologists about Harappan authority rule with examples. It will be authority or rule, whichever word you like. Then question number 24, page 18, source 3, evidence of an invasion. Question, first is fill in the blanks. By circa 1800 BCE, mature Harappan sites like Dash had been abandoned. Second question, where did the population of Harappa migrate by 1800 BCE? Where may you have to write the place as well as to which direction? Then third question, what were the reasons of Harappan decline? Coming to question 25, page 19, figure 1.24, Cunningham sketch of the first seal is the topic. Question, what does the picture depict? Second question, who was Alexander Cunningham? Third, what was he mainly interested to find? And fourth, what did Cunningham do with the unfamiliar seal? Question 26, page 20, figure 1.25. Topic is the stratigraphy of a small mound and also the box. Question, what is stratigraphy? Second question, who brought or introduced this technique of excavation? Third question, why did he introduce this technique? Fourth question, name some Harappan sites excavated in India. Question 27, page 21, box Wheeler at Harappa. Questions are, first, who was Wheeler? Second, when did he explore Harappa? Third, what was his experience of discovery? And the fourth question is, what new technique of excavation did he introduce? Question 28, page 23, figure 1.26 and figure 1.27. Mother Goddess and Proto Shiva. The two has been taken together because they both deal with religion. First question, what problems did the archaeologist face in reconstructing religious practices of Harappans? Second question, what do both pictures depict? Third question, why did archaeologists believe that it was Mother Goddess? Fourth question,
वॉट डू सर्टन सील्स रिवील अबाउट रिलीजियस बिलीफ ऑफ हरप्पन्स? एंड फिफ्थ क्वेश्चन, वॉट इज प्रोटो शिवा? डज इट मैच विद डिस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र इन ऋग्वेदा? नाउ द थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड आर्क्योलॉजिस्ट बिलीव दैट इट वॉज मदर गॉडेस? यू हैव टू अगेन रीड द पिक्चर एंड टेल अबाउट इट. नाउ क्वेश्चन नंबर 29, पेज 24, फिगर 1.28, गेम्समैन और लिंगा. क्वेश्चन, वॉट वॉज मैकेज ओपिनियन अबाउट स्मॉल पॉलिश्ड कट स्टोन्स? एंड सेकेंड क्वेश्चन, वॉट आर दीज मेड ऑफ? द लास्ट क्वेश्चन इज 30th क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन नंबर 30, पेज 24, फिगर 1.29, अ टेराकोटा कार्ट. क्वेश्चन इज, वॉट आस्पेक्ट्स ऑफ हरप्पन इकोनॉमी इज रिकन्स्ट्रक्टेड फ्रॉम आर्क्योलॉजिकल एविडेंस? सेकेंड क्वेश्चन, वॉट डज द पिक्चर डिपिक्ट? एंड थर्ड क्वेश्चन, वॉट टाइप ऑफ ट्रेड रूट वॉज फॉलोड बाई दिस कार्ट? इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 28 सेकेंड पार्ट, वॉट डू बोथ पिक्चर्स डिपिक्ट, यू हैव टू रीड बोथ द पिक्चर सेपरेटली एंड राइट देयर सेपरेट एक्सप्लेनेशन, बिकॉज वन इज अ फिगरीन एंड द अदर इज ऑन डिपिक्टेड ऑन अ इंस्क्राइब्ड ऑन अ सील. So you have to be very careful when answering this question. Now with this, we come to the end of this set of question. Thank you very much. Dear students, अगर मेरा video पसंद आया हो तो इसे अपने friends के साथ share करें, like करें और channel subscribe करें. Thank you.